कपालभाति का अभ्यास जो हम बता रहे हैं उसको सीख करके जिंदगी भर उसको याद रखना है। जैसे आप एक बार कखर याद कर लेते हैं तो जिंदगी भर उसका काम आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार बीमारी हमेशा होगी, जैसे हमारे बीच में भैया बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं और इनको गैस कब की समस्या है, परेशान है जिंदगी से, निराश हो चुके हैं जिंदगी से, लेकिन मैंने इनको संकल्प दिलवाया, इनको मैंने ये ढांढस करवाया कि आप बिल्कुल निराश ना हो, आप मेरे साथ कुछ दिन तक केवल योग शिविर में भाग लीजिए, आधी बीमारी तो 5 दिन में ही खत्म हो जाए और मस्त हो जाएंगे, आपके साथ उदाहरण बनने वाले हैं आपके लिए, आपके गांव के लिए। तो आइए हम लोग कपालभाति करते हैं। नाक से झटका से सांस को बाहर फेंकना है, इसमें सीधे बैठी इस प्रकार से टेवना पर रखिए। ये मानव से महामानव बनने की भी यात्रा है, इस प्रकार रखिए, यहां से लिखो ऊपर रखिए टेवना पर, हाँ बहुत अच्छा। नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, तो सांस बाहर निकल रहा, पेट देखे अंदर जा रहा, बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है भैया का, आप लोग भी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। बस छींकने का अभ्यास, देहाती भाषा में समझिए, मिलाओ आंख बंद कर लिए सभी लोग, मिलाओ देखो मिलाओ, आंखें बंद हो, आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि हम लोग आदमी हैं, माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो हम लोग खाली देखने में खोखा आदमी का जन्म लेते हैं। जैसे मोबाइल खराब हो जाए तो खोखा हो जाता है, किसी को दीजिएगा तो लेगा नहीं मोबाइल, लेकिन जब तक मोबाइल काम कर रहा है तो लेने वाला 1000 मिलेंगे। उसी प्रकार हम देखने में खाली आदमी का कैबिनेट है, अब इसमें आदमी बनने के लिए दारू छोड़ना पड़ता है, शराब छोड़ना पड़ेगा, खैनी बुरी सिगरेट छोड़ेंगे, मांस मदिरा छोड़ेंगे, और जो भगवान कृष्ण का मूर्ति लगाए हैं यही उसका मूल पूजा है, नहीं तो पूजा के नाम पर नाटक, पूजा के नाम पर नौटंकी, अपने धर्म और संस्कृति को बदनाम करने की परंपरा चारों तरफ फैल रही है। पूजा भी करते हैं और मछली भी खाते हैं, पूजा भी करेंगे दारू भी पिएंगे, पूजा भी करेंगे और खैनी भी खाएंगे, ये पूजा के नाम पर अपने समाज को बर्बाद करने की एक परंपरा चल रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कपालभाति करिए, जिनको गैस है, कब्ज है, मोटापा है, पेट जिनका पूरा कड़ा हो गया है, टोने पर छूने पर लगता है, पेट को मुलायम कर देगा कपालभाति। कहा गया कि जिसका पेट मुलायम है, नरम है, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कपालभाति का अभ्यास चल रहा है, अपने आंख को बंद कर लीजिए, बबुआ आंख बंद कर ला, जिंदगी में केवल उठने का, बैठने का, सोने का, जगने का, बोलने का, खाने और पीने का तरीका सीख गए तो समझिए कि जिंदगी आपका सार्थक हो गया। जन्म लेना आंख बंद कर लीजिए, कपालभाति चलते रहने दीजिए, सावधानी भी याद रखिएगा जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ हो।
पल भर।